जो बाहर से आते हैं ना उनके लिए बहुत जरूरी है ये रास्ता देखना, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन वाला रास्ता है। देखो कैसे जा रही है गाड़ी, चढ़ाई पे चढ़ रही है एकदम स्ट्रेट ऊपर, लास्ट तक जाएगी, बिल्कुल वो वहां तक जाएंगे हम। यहाँ से जो व्यू बन रहा है ना, ये देखो शानदार लोकेशन, बहुत अच्छी लोकेशन है। और इनको हम देने वाले हैं बिस्किट, ये लो। जानसु साइड में साइड में साइड में साइड में, ये देखो वाह। इस रायता हिल्स के टॉप पर आने के बाद पता लगता है कि थोड़ी सी गंदी चीज हो रही है, गरीबों वाली गाड़ी है। इफ आप भी राजस्थान का कश्मीर देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया है और थंबनेल देख के आइडिया भी लगा लिया होगा कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं रायता, रायता हिल्स, जो कि उदयपुर की हिडन प्लेसेस में से एक है, लेकिन रायता बहुत ज्यादा फेमस है। मैं आपको बता दूं मॉनसून के टाइम में ये जो प्लेस है उभर कर बाहर आती है, हाईलाइट होती है, क्योंकि बहुत ही शानदार व्यू बनता है इस लोकेशन पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि आप रायता हिल्स या रायता विलेज तक कैसे पहुंच सकते हैं, और वहां पर जाकर हम करने वाले हैं रायता हिल्स को पूरी तरह एक्सप्लोर। अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी दोपहर के लगभग 12:15 बजने वाले हैं। जो लोग उदयपुर के ना उनको ध्यान होगा कि रायता हिल स्टेशन का रास्ता कौन सा है या रायता का रास्ता कौन सा है, लेकिन जो लोग बाहर से उदयपुर देखने के लिए आते हैं खासकर मॉनसून के टाइम में, तो मैं उनको बता दूं उदयपुर शहर आएंगे और उदयपुर शहर से आप चेतक सर्किल से होते हुए फतेह सागर झील को क्रॉस करते हुए आपको निकलना है सीधा रामपुरा चौराहे पर। सीधा रामपुरा चौराहे को भी क्रॉस करना है, बिल्कुल सीधा जाना है, रामांडा होटल को क्रॉस करते हुए सीधा आगे निकलना है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही आपको दो रास्ते नजर आएंगे, एक रास्ता जाएगा बड़ी तालाब की तरफ और एक रास्ता जाएगा कोडियात की तरफ। जैसे ही कोडियात गांव की तरफ निकलेंगे आप, तो कोडियात से आपको तो उस सर्किल से आपको राइट लेना है। जो बाहर से आते हैं ना उनके लिए बहुत जरूरी है ये रास्ता देखना, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन वाला रास्ता है, लेकिन मैं इस व्लॉग के दौरान आपको दिखाने वाला हूँ कंप्लीट व्यू। फिर यूं कहें कि ये राजस्थान का एक्चुअली दार्जिलिंग है, या फिर राजस्थान का कश्मीर कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त व्यू है उस जगह पर। फाइनली ये है चेतक सर्किल, इस चेतक सर्किल को सीधा क्रॉस करेंगे फतेह सागर झील की तरफ। दोस्तों ये सामने है फतेह सागर झील का मेन एंट्रेंस, तो आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है रामपुरा चौराहे की तरफ। हमारे राइट में है फतेह सागर झील, इसको हमने फाइनली कर लिया है क्रॉस। तो फाइनली ये है रामपुरा चौराया और हम इस चौराहे से राइट टर्न करेंगे रमाड़ा होटल की तरफ। ये रमाड़ा होटल का बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को भी क्रॉस करते हुए हमको सीधा आगे निकलना है। ये देखो यहाँ पे दो रास्ते निकल रहे हैं रमाड़ा होटल से, जैसे हम आगे आए एक राइट में निकल रहा है और एक लेफ्ट में। लेफ्ट वाला रास्ता हमको पकड़ना है, ये कोडियात वाला। दोस्तों कोडियात फिलहाल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, एक आगे सर्किल आएगा इस जगह पे और यहाँ से अपन को लेना है लेफ्ट। ये लगा हुआ है बोर्ड नयागुड़ा रायता और इस तरफ हमको टर्न करना है। एक्चुअली ये जो पुल है ना, मॉनसून के टाइम में इसके ऊपर से पानी बहता है, फिलहाल अभी तो बहुत कम पानी है, देख सकते हैं ये एक्चुअली नदी है और ये पूरा पानी बह जाता है इसके ऊपर से। पहाड़ों वाला रास्ता अब स्टार्ट होगा, सामने का व्यू देखे कितना जबरदस्त व्यू है, और ये देखो नदी, थोड़ा सा झरना चल रहा है, वो उस जगह पे लोग बाग नहा रहे हैं और जानशु देख रहा है फिलहाल। देखो जानशु खिड़की से बाहर देख रहा है क्योंकि बाहर है हरियाली और बहुत ऊंचाई पर है इस वक्त फिलहाल हम। ये आगे गाँव की तरफ जाएगा रास्ता और हमको इस सर्किल से जाना है सीधा राइट। एक्चुअली रायता का जो सफर है ना वो इस सर्किल से स्टार्ट होता है, ऊंचाई पे हम जाएंगे, हरियाली देखेंगे, पहाड़ देखेंगे और गाड़ी कुछ इस तरह से घूमकर स्ट्रेट ऊपर तक पहुंचेगी। उदयपुर को एक्चुअली स्वर्ग क्यों कहा जाता है ये हम वहां पर जाकर एक्सप्लोर करने वाले हैं फिलहाल। दोस्तों सामने का जो व्यू है ना बहुत ही जबरदस्त, और ये देखो कैसे घुमावदार रास्ता है और इस तरह से हमको सीधा पहाड़ की टॉप पर पहुंचना है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं, गाड़ी रोकी थी 2 मिनट के लिए ताकि यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा सकूँ। देखो एक तरफ तो वो नदी है, हमारे राइट में नदी चल रही है और जानशु बोल रहा है बार बार नदी कहाँ है। तो थोड़ी सी ऊंचाई पे मैंने गाड़ी को रोक दिया है क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना बहुत ही जबरदस्त, एक नंबर व्यू है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के दौरान। गाड़ी हमारी एकदम रोड के किनारे खड़ी हमने कर दी है, देखो लोग वो ठेठ ऊपर लास्ट तक जा रहे हैं, आप वो नदी बह रही है उस तरफ नदी है, गाड़ियां कुछ गाड़ियां वहां खड़ी है और कुछ इस तरीके का व्यू है इस जगह पे, बहुत ही जबरदस्त। देखो कैसे जा रही है गाड़ी, चढ़ाई पे चढ़ रही है एकदम स्ट्रेट ऊपर लास्ट तक जाएगी, बिल्कुल वो वहां तक जाएंगे हम। तो ऊंचाई से हम वीडियो बनाएंगे और आपको ऊंचाई से
पूरा व्यू दिखाएंगे इस रायता का। रायता का सिर्फ ये रास्ता है और रायता अभी हम पहुंचे नहीं है, और बहुत ही जबरदस्त व्यू, एक नंबर व्यू। और जांशु की देखो अलग से रील बन रही है, क्या शानदार व्यू देखो। तो फिलहाल दोस्तों इस लोकेशन से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रायता गांव की तरफ, क्योंकि रुकते रुकते जाएंगे और रास्ते का फुल व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूं, फुल एक्सप्लोर करने वाला हूं रायता गांव को और रायता हिल स्टेशन को भी। फाइनली फिर हम एक बार अच्छी लोकेशन पे रुके हैं, जगह जगह रुकने का मन कर रहा है क्योंकि जगह जगह हर एक दो किलोमीटर पे बहुत ही शानदार व्यू बन रहा है यहाँ पर। और अभी पहुंचे नहीं है रायता टॉप व्यू पर, हम पहुंचे नहीं है, लेकिन यहाँ पर रास्ता बहुत ही जबरदस्त, वो देखो वो है एक्चुअली टॉप व्यू, वहाँ पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, वहाँ पे लोग भी हैं काफी सारे, और यहाँ से जो व्यू बन रहा है ना ये देखो बहुत ही शानदार व्यू इस जगह से। हम इस तरफ से आए थे और हमको सीधा स्ट्रेट आगे निकलना है, वो उस टॉप तक जाना है, टॉप व्यू तक, और यहाँ से भी व्यू बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर छोटी सी दुकान है, देखो ऐसी छोटी छोटी दुकानें काफी सारी मिल जाएगी इस रास्ते पर टॉप पर। अब हम वहीं जाने वाले हैं थोड़ी देर में जांशु के साथ, क्योंकि जांशु कह रहा है कि ऊपर चढ़ना है पहाड़ पे। तो ये रास्ता है कच्चा रास्ता एक्चुअली, और इस रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं, और देखो शानदार व्यू उधर से, हरियाली है बहुत शानदार उस तरफ। जांशु आ जाओ, और जांशु देखो मेरे साथ इस वक्त आराम से हम बढ़ रहे हैं आगे कच्चे रास्ते की तरफ। देखो शुरू आ रही है आराम से धीरे धीरे, ये खड़ी है हमारी गाड़ी व्हाइट कलर, बहुत ही जबरदस्त। छोटी सी दुकान यहाँ लगा रखी है, जांशु कह रहा है इधर से जांशु कह रहा है जल्दी से वहां जाओ उस टॉप पर चलो। और फिलहाल अब हम गाड़ी ये खड़ी हमारी, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा ऊपर टॉप तक, और जांशु की ड्रेस थोड़ी शूटिंग करते वक्त ड्रेस थोड़ी खुल गई थी, तो जांशु की ड्रेस फिलहाल सेट हो रही है क्योंकि अभी थोड़ा सा शूट किया था हमने इस जगह पे, रील्स वगैरह बनाई थी। और फिलहाल दोस्तों वो देखो वो बाउंड्री वगैरह लगा रखी है, बहुत ऊंचाई है, बहुत हरियाली है, बहुत। ये देखो जांशु आया है छोटी सी शॉप पर, पहाड़ों की दुकान है ये, ये देखो, और यहाँ पे चाय बन रही फिलहाल। ये लो बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, इस जगह पे हमने लगभग एक घंटा टाइम स्पेंड किया है, और एक घंटे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के बाद फिलहाल अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे। देखो कितना शानदार व्यू इस जगह पे, ये देखो बहुत ही शानदार व्यू है, फिलहाल लोकेशन बहुत प्यारी है, शानदार लोकेशन, बहुत अच्छी लोकेशन है। चढ़ाई देखो इतनी जबरदस्त चढ़ाई है, और मौसम भी बहुत जबरदस्त हो रखा है एक्चुअली, और लोग बाग टू व्हीलर फोर व्हीलर से आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए स्पेशली। ये एक्चुअली उदयपुर की हिडन प्लेस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत शानदार प्लेस है जो कि मॉनसून के टाइम में उभर कर बाहर आती है। फिलहाल देखो कितनी ऊंचाई है, फाइनली हम टॉप पर आ गए हैं, देखो कितनी सारी गाड़ियां हैं यहाँ पे इस जगह पे, और ये कार देखो, ये प्री वेडिंग शूटिंग के लिए कार इस टाइप की आती है इस जगह पे। और फिलहाल एकदम टॉप पर हैं हम इस वक्त, हम थोड़ा सा आगे जाने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां हैं, पार्किंग की जगह मिल नहीं रही मेरे को और भीड़ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब यहाँ से बिल्कुल नीचे उतरना है, थोड़ी सी ढलान है इस जगह पे, और देखो कितनी सारी गाड़ियां हैं एक्चुअली, और जांशु बैठा हुआ है आगे। थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं ना ये एक्चुअली रायता गांव है, रायता विलेज है। कुछ लड़के आए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे लोकल के लोग हैं, और इनको हम देने वाले हैं बिस्किट, ये लो। ठीक है खुश, ठीक है बाय कर दो, बाय। बिस्किट दे दी क्योंकि मुझे मालूम था यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो मैं इनके लिए ऑलरेडी बिस्किट लेकर आया था पहले से ही। तो अब बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। ये गेट कर दिया बंद जांशु ने। दोस्तों गाड़ी को हमने इस जगह पार्क कर दिया है, और कुछ लोग देखो यहाँ बैठे हैं। तो देखो इस कच्ची रोड पे हम निकल चुके हैं जांशु के साथ, और छोटे छोटे बच्चे देखो आगे कैसे मस्ती करते हुए देखो जांशु कैसे मस्ती करते हुए, और ये इनकी छोटी सी गाड़ी देखो,
जहाँ से साइड में साइड में साइड में साइड में, ये देखो वो कैसा ढलान है वो देखो। अरे तुम लोग गिरते नहीं हो यहाँ पे? अरे बिना ब्रेक की गाड़ी है, गिर जाएगी ऊपर से, देखो कैसे ढलान से लेके आ रहे हो, गिर जाओगे तो आपको चलाना है। जांशु कह रहा मेरे को चलाना, मुझे चलाना है, पापा नहीं बैठेंगे। इन छोटे से बच्चों के साथ जांशु की मस्ती अब चलने वाली है थोड़ी देर में। जांशु बैठो, हाँ बैठ जाओ, हाँ अरे मैं पकड़ के बैठा हूँ, हाँ हाँ ऐसे, वाह साइड में हो जाओ तो, हाँ देखो ये परफेक्ट है, इनको आता चलाने के लिए, ये चला रहे हैं बहुत शानदार अच्छे तरीके से, देखो कैसे चला रहे हैं। और बचपन याद आ गया वास्तव में, हालांकि बचपन में मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन इन लोगों का बचपन देख के मुझे अपना भी बचपन याद आ जाता है। ये देखो आ रहा है, ये भैया आ गए देखो, ये छोटे छोटे बच्चे, अरे गिर मत जाना, अरे वाह यार वेरी गुड। हालांकि ये लोग एक्सपर्ट हैं, ये दिन रात यही काम करते हैं, तो ये लोग एक्सपर्ट है इस चीज़ में। ये देखो छोटे छोटे बच्चे शुरू लेकर आ रही है कुछ चीज़ खाने के लिए, ये देखो दोस्तों। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है रायता हिल, रायता हिल्स जो एकदम टॉप पॉइंट है रायता का, रायता विलेज का टॉप पॉइंट है। और यहाँ से जो व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, बहुत ही शानदार व्यू है। ये देखो फिलहाल तो इन बच्चों की मस्ती देखो आप, देखो वो गए, और देखो यहाँ से कितना शानदार व्यू आ रहा है रायता का। लो इन बच्चों को कुछ दे देते हैं। अरे तुम लोग कितने जाने हो बिस्किट? मेरे पास एक ही बच गया, क्योंकि मैंने पीछे सबको दे दिया छोटों बच्चों को, ठीक है। अब इसमें से दो दो बिस्किट निकाल के तुम लोगों को खाना पड़ेगा। सबसे बड़ा कौन है, सबसे अच्छा कौन है इसमें, सबसे अच्छा कौन है? सब अच्छे हैं, वो कह रहा सब अच्छे हैं। तो मेरी बात सुनो, इसको खोल के सिर्फ एक एक सब खा लेना, ठीक है ना, एक एक बिस्किट सब खाएंगे निकाल के, क्योंकि बेटा मेरे पास सारी बिस्किट खत्म हो गई है, ठीक है बाय। ओ जांशु ने गाड़ी ले ली ये बिस्किट के बदले में ये गाड़ी ले ली जांशु ने, अब क्या करोगे जांशु? इनको गाड़ी दे दो, ये अपनी नहीं है। हाँ बोलो भैया, ये लो दे दो, दे दो दे दो इनको दे दो, ठीक ठीक है बच्चों बाय। आ जाओ जांशु आ जाओ, ठीक है बाय बाय, आ जाओ आ जाओ बाय कर दो उनको। अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे, थोड़ा सा और मस्ती करेंगे, टॉप पे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और वहाँ पर हम खाएंगे थोड़ा सा खाना, क्योंकि हम घर से भी लेकर आए हैं खाने की चीज़ें। चावल लेकर आए हैं, फ्राई चावल, नमकीन चावल लेकर आए हैं, और इस जगह करेंगे पिकनिक, इस जगह खाएंगे खाना हम। और देखो जांशु कैसे भागता हुआ आ रहा है, देखो भागता हुआ आ रहा है एकदम, फुल एंजॉय कर रहा है जांशु। ये फाइनल टॉप जो रायता हिल्स का जो टॉप है ना, वो यही है, और यहाँ से बहुत शानदार व्यू है। देखो यहाँ पे बाइक भी आ जाती है, फोर व्हीलर भी आ जाती है, वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर रखी है। शुरू कुछ लेकर आ रही है, एक शुरू के हाथ में है खाने की चीज़ें। भाई इस रायता हिल्स के टॉप पर आने के बाद पता लगता है कि थोड़ी सी गंदी चीज़ हो रही है, गंदी चीज़ इन द सेंस कि यहाँ के लोग जो, भाई सबसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई, आप लोग बाहर से आते हो ना जब ये रायता हिल्स को देखने के लिए इस टॉप पर आते हो, इस नेचुरल, इस प्रकृति को देखने के लिए, तो एटलीस्ट जो भी चीज़ आप खाने वाली लेकर आ रहे हो ना, उसको खाने के बाद जो कचरा बचता है उसको साथ में ले जाओ, बाहर किसी डस्टबिन में डाल दो। अब ये देखो, अब ये देखो, ये बियर की बोतलें, निकेन, ये सब पड़ी है देखो उधर। तो फिलहाल अब हम बढ़ते हैं आगे, ये देखो ये कचरा वचरा सब पड़ा है। तो जो भी लोग करते हैं, आते हैं, खाते हैं, इंजॉय करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इंजॉय करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कांच की बोतलें, कैन वगैरह, कचरा वगैरह यहाँ पर बिल्कुल मत फेंको, क्योंकि यार इतनी साफ सफाई है, इसको और साफ सुथरा करो और अच्छा बनाओ। फिलहाल इस जगह रुकेंगे, और इस बैग के अंदर है हमारा खाने पीने का सामान, कुछ सामान इसके अंदर है। एक्चुअली जल्दी जल्दी में हम चटाई को लेकर आना भूल गए, एक दरी लेकर आना भूल गए, अब हमको ऐसे ही ओपन में बैठना पड़ेगा और यहीं पे बैठ के खाना पड़ेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, बहुत शानदार व्यू है इस जगह पे। ये एक्चुअली रायता गाँव है। शुरू कह रही है मेरे को भूख नहीं है, और देखो लोग वो वहाँ तक भी पहुँचे हुए हैं, वो टॉप तक गए हुए हैं लोग बाग देखो। लेकिन फिलहाल हम यहीं तक रुकेंगे, और यहाँ से हम नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे। जांशु कचौरी खा रहा है, जांशु ने कचौरी थोड़ी सी खाई थी कार के अंदर, और फाफड़ा वो पड़ा, और जांशु फिलहाल पी रहा है पानी, और इसके अंदर है केक, और इसके अंदर क्या है,
आलू वड़ा। वाह, इसके अंदर है आलू वड़ा। ये देखो आलू वड़ा भी शुरू लेकर आई थी। टिफिन निकल चुका है बैग में से। अब इस टिफिन में से निकलने वाला है नमकीन चावल। ये फाइनली मेरा आ गया पुलाव। अरे ये तो गर्म है, अच्छा खासा गर्म है। अभी तो वो है यार, कितनी देर हुई है। हाँ थोड़ा ही टाइम हुआ है। पुलाव आ चुका है, नमकीन चावल कहते हैं कई जगह, पुलाव कहते हैं। फिलहाल इन वादियों में हमने करी है फुल मस्ती और फिलहाल पुलाव मेरे हाथ में। दोस्तों एक नंबर है बिल्कुल, पुलाव बहुत शानदार है। देखो वादियों के अंदर पुलाव खाने का मजा ही कुछ और है। ये लो, ये खाओगे हैं? अच्छा वहाँ बैठ के खाना है, लो लो आओ यहाँ बैठ के खाओ। जान शुक्र है, बैठ के खाना है। चलो बैठो बैठो, लो लो ये लो, ये लो। नहीं 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 तो ऐसे 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 गिरना मत, गिरना मत जानशु, जानशु गिरना मत बस। नो नो नो, जानशु मेरे को खाना खिला रहा है एक्चुअली। जानशु मेरे को खाना खिला रहा है, खुद नहीं खा रहा है। और चम्मच को ऐसे पकड़ा जैसे हथियार। फिलहाल मेरा भी खाना हो गया है। हमने फर्स्ट टाइम पिकनिक मनाई है, मतलब ऐसे जाके बाहर जाकर ऐसे पहाड़ों पे ऊंचाई पे हमने फर्स्ट टाइम खाना खाया है। घर से पुलाव का पूरा प्लान किया था हमने, पुलाव लेकर जाएंगे। पूरा ये सामान बैग के अंदर पैक हो रहा है फाइनली। तो देखो जानशु कहाँ चला गया, वो देखो बकरी के पास जानशु चला गया भागते भागते। हाय करो, हाय बोलो, कैसे हो बोलो, खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा? या मेरे जैसे लोग वीडियो बना के चले जाते हैं आपके साथ, क्या है ये जानशु? हाँ बकरी, आ जाओ आजो आजो आजो, आओ बाय कर दो, बाय बाय बाय, आजो आजो। मुझे चाबी मिल नहीं रही है गाड़ी की और शुरू कह रही है इस बैग के अंदर है और जानशु कर रहा है मस्ती। वो देखो बकरी के साथ चाबी जानशु को मिल गई फाइनली। हमको बैग के अंदर पड़ी थी चाबी और मेरे को टेंशन हो गई थी कि चाबी कहीं उधर गिर तो नहीं गई पहाड़ों के अंदर जहाँ हमने पिकनिक मनाई, जहाँ हमने खाना खाया। तो फाइनली अनलॉक किया जा रहा है गाड़ी को और फाइनली दोस्तों इस लोकेशन से अब हम कर रहे हैं अलविदा। अगर आपको ये लोकेशन अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप आए रायता हिल्स में। आया कहाँ पे? वो उस तरफ तो काफी ज्यादा ऊंचाई थी, वो तो पता नहीं उधर का रास्ता कैसे। काफी ज्यादा ऊंचाई थी, हमारी गाड़ी जाती हुई उधर। छोटी गाड़ी है ना, कम पैसे वाली, बड़ी गाड़ी जाती है उधर। मेरे को एक्चुअली पता नहीं था उधर का रास्ता कैसा है, वरना उस टॉप तक मैं जरूर जाता। इनके बातों पर विश्वास मत करना कि ये वहाँ चले जाते, हमारी गाड़ी छोटी गरीबों वाली गाड़ी है इसलिए हम वहाँ नहीं जा सके क्योंकि ये ऊंचाई में चढ़ती नहीं है। एक्चुअली जो उस तरफ है ना, ये एक और इससे भी थोड़ा सा टॉप पे है, लेकिन वहाँ पे रास्ता बहुत कच्चा है और थोड़ा छोटी गाड़ी के लिए रिस्की रहता है। बड़ी गाड़ियों के लिए भी रिस्की है, लेकिन वो टॉप बहुत ज़्यादा है। अगर मैं दिखाऊँ तो आपको, ये देखो ये जो पहाड़ की बात करूँ, यहाँ पे लोग गए हुए हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ दिख रही है दो चार, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिख रही है, सिर्फ दो तीन गाड़ियाँ दिख रही है। रास्ता तो यही है, कच्चा रास्ता जो मैंने दिखाया, लेकिन वहाँ जाना थोड़ा रिस्की है क्योंकि मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि एक तो गाड़ी अल्टो है तो मुझे लगा शायद इतनी ऊंचाई तक ऊपर तक चढ़ेगी नहीं। छोटी गाड़ी हमारी सीएनजी वाली, तो मुझे लगा नहीं कि एक्चुअली ऊपर तक जा पाएगी। यहां तक भी बेचारी सीएनजी की जगह पेट्रोल पे चल गई, सीएनजी पे चल, मतलब हाँ, मतलब मैंने सीएनजी को बंद कर दिया था, मैंने पेट्रोल चालू कर दिया क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको पेट्रोल पे लेकर आया ऊपर तक। और अब तो दोस्तों जिसके पास सीएनजी की गाड़ी है वो यहाँ पर लेकर ना आए, जिसके पास पेट्रोल की गाड़ी है वो लेकर आए। हम नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बिल्कुल ढलान है, चढ़ने में चढ़ाई लगती है, तो पेट्रोल वाली तो सीएनजी को पेट्रोल में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर जाके ऊपर चढ़ती है तो ठीक रहता है, रिस्की नहीं रहता। हालांकि चढ़ने में चढ़ सकती थी सीएनजी वाली, बट मैंने रिस्क नहीं लिया, सही बताऊं मैं पेट्रोल पर लेकर आया गाड़ी को। खुश और जानशु एकदम खुश है, मस्ती कर रहा है जानशु, फुल मस्ती कर रहा है। देखो जानशु कह रहा है शाम जाना है। और फिलहाल अब हम इस प्यारी सी लोकेशन से निकल रहे हैं और इस प्यारी सी लोकेशन को हम अलविदा कहते हैं, बाय, सी यू। तो दोस्तों फाइनली इस प्यारी सी लोकेशन को अब हमको बाय बाय करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं डायरेक्ट उदयपुर सिटी की तरफ, अपनी घर की तरफ। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। तुमको ये लोकेशन कैसी लगी फाइनली? लल्लन टॉप, मस्त, ग्वालियर की लैंग्वेज है लल्लन टॉप। छोटे छोटे झोपड़े बने हुए हैं यहाँ पर, आपको कोल्ड ड्रिंक मैगी वगैरह मिल जाती है, बिस्किट वगैरह मिल जाते हैं आपको, छोटी मोटी आपकी मतलब नॉर्मली आपको घर से खाना पैक करा के, अगर आप यहाँ पे पिकनिक मना के मनाना चाहते हो, घर से खाना बना के लाना चाहते हो तो ला सकते हो। बाकी आपको ऐसा कोई वो नहीं है कि आप घर से खाना बना के ही लाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको मैगी वैगी अवेलेबल हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी वगैरह, मैगी, बिस्किट नमकीन वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फ्री होके आओ, यहाँ बैठ के खाओ, मस्त इंजॉय करो और घर जाओ।
यहाँ पर मैगी वगैरह मिल जाती है इस जगह पे, आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी हो वो मिल जाती है। हाँ। और बहुत अच्छी प्यारी लोकेशन है दोस्तों, यकीन करें आपको को अगर टाइम मिले ना कभी उदयपुर आओ तो इस लोकेशन पे जरूर आए रायता, और स्पेशली मॉनसून के टाइम में जरूर आए। ये जो गाड़ी है ना, ये मैंने पहले भी बताया था, ये प्री वेडिंग शूटिंग के लिए रील्स वगैरह शूट करने के हिसाब से यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं इस टाइप की देखो। और फिलहाल यहाँ से देखो कितनी शानदार लोकेशन, शानदार व्यू इस जगह से, जाते जाते भी मन कर रहा है कि वीडियो शूट करूं क्योंकि इतनी प्यारी लोकेशन है ना जिसकी कोई हद नहीं। मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से, मेरा एक्चुअली यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मन करता है यहीं बैठा रहूं, लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते भी मन कर रहा है वीडियो शूट करूं। अब ये देखो रोड, देखो ये रायता की रोड है, कैसा ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कश्मीर जैसा, एकदम दार्जिलिंग जैसी रोड है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास रोड है। यार देखो चढ़ाई चढ़ रही है गाड़ी, एकदम गाड़ी एक नंबर पे, एक नंबर गियर पे चढ़ती सीधी डायरेक्ट। तो गाड़ी रुक गई थी थोड़ी सी। फिलहाल दोस्तों जानशु बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर और मैंने गाड़ी जाते जाते फिर से रोक ली क्योंकि मुझे यहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त लगा। ये देखें बिल्कुल टॉप पर हैं, इस वक्त ऊंचाई पे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है फिलहाल, और यहाँ से व्यू देखें कितना ज़बरदस्त और कितना शानदार व्यू है। और ये है उदयपुर राजस्थान, जिसको कह सकते हैं कि स्वर्ग है ये राजस्थान का। और देखो कितनी गहरी है, नीचे बिल्कुल खाड़ी है ये देखो, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ज़बरदस्त। अब मैं यहाँ से फाइनली रवाना ही हो रहा हूँ घर की तरफ, मतलब लोकेशन इतनी प्यारी है कि मैं जगह जगह मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ रही है और मन नहीं मान रहा है कि मैं वीडियो शूट ना करूँ, इतनी प्यारी लोकेशन जगह जगह रोक कर गाड़ी को वीडियो शूट कर रहा हूँ। जानशु चला गया, देखो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं घर पे और बैग निकाल लेते हैं, सामान निकाल लेते हैं, गाड़ी को कर दिया पार्क। देखो जानशु पहले से घर के अंदर चला गया है, देखते हैं जानशु कहाँ है। ये देखो फाइनली जानशु ने उतार दिया अपने सारे कपड़े, देखो है क्या हुआ, हाँ हाँ ये भी निकाल देंगे। फाइनली हम इस बैग को रख देते हैं अब इधर ताकि नेक्स्ट टाइम काम आएगा ये बैग। तो फाइनली आपने रायता हिल तो देख ही लिया है, इस पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो करें लाइक। अब हम सब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, नई जगह नई लोकेशन पर, तब तक बाय।